नमस्कार, खबर जालसू क्षेत्र से। जालसू पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुंडोता में हुआ जे क्लब क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ। प्रतियोगिता के आयोजनकर्ता ने बताया कि यह प्रतियोगिता 7 दिन तक चलेगी, जिसमें 32 टीमें भाग ले रही है। विजेता टीम को 15,000 रुपए, उपविजेता टीम को 7,100 रुपए व ट्रॉफी दी जाएगी। आज इस अवसर पर मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख मोहन डागर, राधा किशनपुरा सरपंच ज्ञानाराम, डॉक्टर मनीष सुरज्ञान गुर्जर, उप सरपंच गिरिराज, पंच राजेश, नितेश कुमार, शरण पोजी, राधेश्याम कुमार, आयोजनकर्ता महेश हुए, काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। मुंडोता से हमारे सहयोगी सांवरमल पूनिया की यह रिपोर्ट। कभी बैठ के बात की कि आज ये मुंडोता पंचायत है, कालवाड़ का डेवलपमेंट देखो आप। देखा आपने कालवाड़ का डेवलपमेंट कहाँ चला गया? जयपुर से कालवाड़ होके जोमनेर चला गया, लेकिन मुंडोता के आसपास है क्या कुछ? आज हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, आज हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सीतापुरा, लाखों रुपए फीस जमा करानी पड़ती है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ दो बातों की, जिसमें मुझे आप लोगों का समर्थन चाहिए। एक तो मेरा टारगेट है कि आमेर विधानसभा में स्कूल और कॉलेज खुले, गर्ल्स कॉलेज खुले, बॉयज कॉलेज खुले। और ये जो झगड़ा चल रहा है ना रिंग रोड का कितने सालों से, कि लोगों को पता नहीं मकान बनाने से डर लगता है कि रिंग रोड किधर से जाएगी। रिंग रोड को क्लियर करे गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी कि किधर से रिंग रोड आएगी। हमारे यहाँ भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और ये चीजें बननी चाहिए। आज हम लोग कटे हुए विकास से, आज आप दिल्ली रोड पे चले जाओ, आज जयपुर से चंदवाजी वाली रोड पे चले जाओ, सिक्कर रोड पे चले जाओ, मुंडोता आ जाओ, आपको एक भी कोई प्रोजेक्ट लग रहा है कि कोई सरकार का प्रोजेक्ट आ रहा है? ये किस वजह से नहीं आ रहा, समझा आपने कभी? कि हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे ना, इनको कोई मतलब नहीं है। एक आदमी बिजली का काम करते हुए, नौकरी में रहते हुए, घर का कमाने वाला आदमी था, वो गलत तरीके से बिजली चला दी लाइन में, वो खत्म हो गया, उसमें उसका क्या दोष है? तो उसके परिवार को लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? इसके लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए। लेकिन आपके जो लोग हैं यहाँ मुंडोता के, वो कम जागरूक है। आप लोग जागरूक बनो, समझदार बनो और अपनी विचारों को ऊपर लाओ। और ये जो अभी मैं बार बार कह रहा था ना इधर आने के लिए, वो इसलिए कह रहा था कि जब तक हम बैठेंगे नहीं, ये डिसिप्लिन की बात है, अनुशासन। खिलाड़ी में सबसे पहले अनुशासन पैदा करने की जरूरत है। सबसे पहला कोई काम है तो वह है अनुशासन। आप अनुशासित बनो और घर में भी अनुशासित रहो, बाहर भी अनुशासित रहो। और भैया, इस फेसबुक व्हाट्सएप पे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, ये सिवाय बर्बादी का काम है। ये सक्षम लोगों का काम है, जो लोगों का काम फोन पे हो जाता है। हमें तो भैया, जब तक खेत में जमीन का सीना चीर कर फसल नहीं उगाएंगे, जब तक हो सकती है क्या खेती? पूरी रात खेत में खड़ा रहना पड़ता है। ये तो आजकल ड्रिप और फुहारे चल गए, इसलिए बचाव है। तो मैं लंबी बात नहीं करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और आप अनुशासन से खेलेंगे। इतना अच्छा पिच है, कितना अच्छा टेंट लगाया, कितनी अच्छी मैट की है। और मैं इस चीज को अच्छे से समझता हूं कि ना तो कुर्सी पे बैठने से कुछ भला होने वाला, ना कोई माला और साफे पहनने से भला होने वाला। भला होने के लिए चीजों को समझना पड़ेगा, हमारे को एक दूसरे की बातों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की भाषा को समझना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि इस लड़ाई में आप मेरा साथ दो और हम सब साथ मिलकर इस पूरे जयपुर ग्रामीण में एक बदलाव लाए और ये फर्जीवाड़ा खत्म करें। और गांव में जाएं तो पंचायत में सारी फैसिलिटीज मिले, पीएचसी में जाएं तो डॉक्टर मिले, जाते ही इलाज कर दे, पटवारी के पास जाएं तो पटवारी जी बड़े आराम से बोले और अपनी जवाबंदी दे दे, कोई कमी हो तो ठीक कर दे, तहसीलदार के पास जाएं तो वो भी हमारी बात सुने। ये बदलाव कौन लाएगा? ये आप और हम लोग लाएंगे। हमारे यहाँ कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, हमारी बेटियां बच्चियां पढ़ती है तो आज कॉलेज नहीं है, तो गर्ल्स के लिए कॉलेज खुले, बॉयज के लिए कॉलेज खुले, यहाँ इंस्टीट्यूट खुले, टेक्निकल इंस्टीट्यूट खुले अलग अलग सेक्टर्स में और यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बने। मैं आऊंगा खुद, आप सबसे पहले मुंडोता में स्वच्छता अभियान चलाए कि गाँव में यहाँ का जो नवीन मंडल है वो सब मिलकर। और मैं तो राधा किशनपुरा के सरपंच साहब से भी कहूंगा कि आप मुझे बुलाना एक दिन, हम सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर अपने गांव की नालियां साफ करेंगे, गांव का कचरा साफ करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि जो कचरा उठाकर क्या करते हैं, रोड पे फेंकते हैं। 20 बीघा जमीन है पीछे और आगे मकान है और वो गंदा पानी खेत में नहीं ले जाएंगे, रोड पे डालेंगे उसको। ये कौन रोकेगा? आप और हम रोकेंगे।
नई की नई रोड बनती है टूट जाती है, तो ये बदलाव लाना पड़ेगा, इस बदलाव का हिस्सा बनो। मेरे को आपने यहाँ बुलाया, मेरी बात को गंभीरता से सुना, ये साफा बनवाया और इतनी सारी रेस्पेक्ट दी, इसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। पुनः आपको शुभकामनाएं और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके सपने पूरे हो, आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ो, अपना नाम रोशन करो, अपने परिवार का नाम रोशन करो, और इस टूर्नामेंट में जितनी आपको इनामें देनी है उसकी सूची मुझे आज ही दे देना, कल दे देना, ये सारी इनामें मैं मेरी तरफ से भिजवा दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे जो ये तीन अभियान है, एक तो आमेर विधानसभा क्षेत्र में कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और बॉयज कॉलेज खुलाने में मेरा साथ दोगे आप, और जयपुर में ये ग्रामीण क्षेत्र में पानी लाने के लिए जो अभियान है उसमें साथ दोगे, अब बोलो जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।